बता रहे हैं। हालेलुया। जो चीज शंकर भैया पढ़ चुके थे वही चीजों का एक बार फिर निकालिएगा। 15वां अध्याय पहला सामुएल 22 और 23 पद, पहला सामुएल 15 अध्याय 22 और 23 पद। वहां ऐसा लिखा है, सामुएल ने कहा क्या यहोवा होमबलि और मेलबलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेड़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलुआ करना और भाभी कहने वालों से पूछना एक ही समान का पाप है, और हट करना मूरतों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो वचन तूने हम लोग के बीच में रखा। पहला सामुएल 15 अध्याय 22 और 23 पद, सच्चे प्रभु वचन के द्वारा क्या बोलने चाहता है। पवित्र आत्मा आप स्वयं होते हुए हमारे साथ आप बोले, बातचीत करें, और हम लोग हरेक सुनने वाला झूम के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, जो भी जहां भी सुन रहे हैं, हरेक सुनने वालों के जीवन में तू आशीष का अनुग्रह प्रकट करना, महिमा को लेना। धन्यवाद प्रभु, तेरी महिमा हो यीशु के नाम में, आमेन। मेरे प्रियो, आज का ये क्षण हम लोग सुन रहे हैं आज्ञा पालन। शीर्षक हमने दिया आज्ञा पालन। ये जब आप इस सामुएल की पुस्तक का पहली पुस्तक पढ़ते हैं ना, फर्स्ट सामुएल के पहला पुस्तक जब आप पढ़ते हैं, इसराइल देश में न्याय के समय से लेके राजतंत्र की स्थापना तक के परिवर्तन का विवरण आप इस सामुएल के पुस्तक में पाते हैं। मेरे प्रियो, न्याय जहां राजा नहीं था, न्याय लोग न्याय करते थे, जज लोग न्याय करते थे, और राजतंत्र का स्थापना हुआ, उन लोग ने न्याय का नहीं राजा का पसंद किया, इन लोग ने, और राजा पसंद किया इन लोग ने, और राजतंत्र का इन लोग ने माफ किया, राजा का माफ किया। इशारा आपको पहला सामुएल की पुस्तक में आप पाते हैं। इज़राइल में इस परिवर्तन मुख्यतः तीन व्यक्तियों के द्वारा आया हुआ है। तीन व्यक्ति कौन कौन था आपको जानना होगा, सामुएल मान न्यायो या अंतिम न्यायी वक्ता था, शाऊल मान न्यायो में अंतिम न्याय के द्वारा राजा नियुक्त किया हुआ व्यक्ति इज़राइल का प्रथम राजा शाऊल था, और दाऊद उसकी उत्साहित कार्यों के विवरण, दाऊद ने जो भी किया, 12 छोटा लड़का ने गोलियत को मारा, इस सारा कहानी वहां आप पाते हैं। मेरे प्रियो, जब सामुएल की पुस्तक आप पढ़ते हैं, क्यों हम इस सारा उदाहरण ले रहे हैं, क्योंकि आज मैंने आज्ञा पालन बोलते हुए शीर्षक को रखे। और दूसरी बात, 22 पद फिर देखिए, 22 पद आप जिसके पास हम बाइबल पढ़ दीजिए, कौन पढ़ रहे हैं, हम खोल रहे हैं 22 पद, 22 पद प्रीति ओके म्यूट करके पढ़िए, हम खोल दिए। पहला सामुएल 22 पद 15 का, सामुएल ने कहा क्यों यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के मान जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढकों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। सामुएल एक सिद्धांत के रूप में यह कह रहे हैं। मेरे प्रियो, एक सिद्धांत के रूप में सामुएल यहाँ यह कह रहे हैं, होम बलि और मेल बलि से बड़ा तो आज्ञा पालन है बोलता है यहाँ। मेरे प्रियो, एक बात आपको याद करना होगा, शाऊल जो भी करता है सोच रहा था कि वो परमेश्वर का इच्छा का अनुसार कर रहा है, जो भी वो काम कर रहा था सही कर रहा है, उसका मन में यही हो रहा था, लेकिन ये सब परमेश्वर का नजर में गलत था। मेरे प्रियो, आप भी सोचते होंगे कई बार जो कार्य आप कर रहे हैं
वह सही लग रहा होगा आपको, हो सकता है वह कार्य सही है आपके नजर में, लेकिन क्या परमेश्वर का नजर में वह कार्य सही है? क्या आपका वो कर्म के द्वारा, वो कार्य के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा हो रहा है? साउल तो सोच रहा था ना, हम बलि चढ़ाएंगे, ये परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक है, लेकिन सामुएल के द्वारा प्रभु बोलता ये तो गलत है। मेरे प्रिय एक बात याद कीजिए, कई बात आप और मुझे सही लगता है जो हम कर रहे हैं वो परमेश्वर का इच्छा के अनुसार है, लेकिन क्या वो चीज परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक है? क्या उस कार्यों के द्वारा परमेश्वर का महिमा हो रहा है? क्या आप आज्ञा पालन कर रहे हैं परमेश्वर का? नहीं तो आज प्रस्ताव करने का मौका है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने आज यह वचन आप और मेरे बीच में रखा है। 23 पद फिर क्या बोलता, पढ़े 23 पद, 23 कोई भी पढ़ दीजिए जिसको मिला, शंकर भैया पढ़े, हम खोल दिए आपका 15 का 23। बलवा करना और भावी करने वाले से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और यह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात तो तुझ जाना, इसीलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुझ जाना है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन पढ़ाई प्रति शंकर भाई को प्रभु आशीष करे, आमेन। यहाँ बोलता कि परमेश्वर का वचन जिद्दी करना, भविष्य कहने वाले से पूछना एक ही पाप है बोलता। आप मालूम है ना, हाथ देखने वाला इंद्रजाल पड़े हुए लोग आपके पास में आते हैं, भाई ऐसा है, बहन आपका फेस तो ऐसा 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 होने वाला है, यह पाप। और जिद्दी करना, मैं तो यह करके ही छोड़ूंगा, मैं यह काम करूंगा ही करूंगा या करूंगी करूंगी, यह कहना भी पाप है, जो साउल ने किया था। मेरे प्रियो, आप क्या करते हैं या क्या करवाएं? अगुआ का नहीं, मेरा ही बात सही होना चाहिए। कहीं आप ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं, मेरा अगुआ लोग जो भी बोल रहे हैं वो नहीं, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो बात सही होना चाहिए। ऐसा कर रहे हैं तो कभी कभी हम लोग भी गलती कर रहे हैं। क्या कभी आपका जीवन ऐसा हुआ है? देखें यही 15 अध्याय का 10 और 11 पद, कोई भी पढ़ दीजिए, प्रीति हम खोल दिए, यही 15 का 10 और 11 पद खोल दिए हम, पढ़िए। तब यहोवा का ये वचन सामुएल के पास, यहोवा का ये वचन सामुएल के पास पहुंचा, क्या बाबा पढ़िए। मैं साऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब समूह को क्रोध भरका और वो रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा, आमेन हालेलुया, आमेन हालेलुया। मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ बोलता मेरे प्रियो। परमेश्वर, लोगों ने राजा खोजा, परमेश्वर ने साउल को राजा बनने के लिए दिया, लेकिन यहाँ प्रभु बोल रहा है मैं तो साउल को राजा बनाते हुए पछताता हूँ, कहता है परमेश्वर। यहाँ उसने, परमेश्वर कहता है साउल ने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया, मेरी इच्छाओं को, मेरा आज्ञाओं को उसने पालन करना छोड़ दिया बोलता। मेरे प्रियो, लॉकडाउन हुआ, कलिशिया में हम लोग मंडली में एक साथ रह नहीं पाए, परमेश्वर ने हम लोग को इतना फैसिलिटी दिया नेट के द्वारा, जूम के द्वारा, कॉन्फ्रेंस कॉल के द्वारा, तभी हम लोग कई बार आलसी कर लेते हैं। परमेश्वर ने दिया हुआ मौका को हम लोग चुकाते हैं। यहां बोलता साउल ने मेरा आज्ञाओं को उल्लंघन किया, मेरा आज्ञा को मानने छोड़ दिया, मेरे पीछे होने छोड़ दिया। मेरे प्रिय एक बात याद कीजिए, क्या जो भी जिम्मेवारी मंडली के तरफ से आपको मिल रहा था उसे आप विश्वसनीयता के साथ करने के लिए योग्य हैं? जो भी मंडली आपको जिम्मा दिया, प्रार्थना हो, विजिटिंग हो, कुछ भी हो, क्या आप विश्वसनीयता के साथ वो निभा रहे हैं? यदि नहीं तो वहां भी परमेश्वर का पछताने का जैसा ही होता है। आप याद कीजिए 13वां पद क्या बोलता, 13 पद ऐसा बोलता है कि तब शमूएल साउल के पास गया
और साउल ने उसे कहा तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने तो यहोवा की आज्ञा पूरी की है। हालेलुया। साउल बोलता हे प्रभु मैंने तो परमेश्वर पिता की आज्ञा को पूरा किया है। साउल को ऐसा ही लग रहा था वो आज्ञा को पूरा कर रहे। लेकिन पंद्रह पद पढ़िए तो पंद्रह पद क्या बोलता, यहां बोलता वे तो, यहां देखिए चौदह पद में बोलता फिर ही भेड़ और बकरियां का मिया मिया ना क्या है और गाय बलों का यह रंभाना जो मुझे सुनाई देता है यह क्या है। वहां भेड़ बकरियां गाय गोरु बांधा हुआ था, मैंने तो आज्ञा पालन किया बोलता साउल। सामुएल पूछता ये क्या है, बकरी मैं कर रहा है गाय बां बां कर रहा है क्या है। तब साउल ने कहा ये तो अमालियों के वहां से लाए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी अच्छी भेड़ और बकरियां और गाय और बैल तेरा परमेश्वर को बलि करने के लिए छोड़ दिया है, बाकी सब तो उसने सत्यनाश किया है। मेरे प्रिय एक बात याद कीजिए, परमेश्वर ने बोला था सारा चीजों को सत्यनाश करना, लेकिन इन लोगों ने साउल ने अच्छे चीजों को रखा। वो सोच रहा था अच्छा है परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने के लिए ही चीजों को रख रहे हैं, परमेश्वर का ये बलि चढ़ाएंगे चीजों को और परमेश्वर खुश हो जाएगा। लेकिन ये सारा गलत था, परमेश्वर का आज्ञा था सब चीजों को नष्ट करना। मेरे प्रियो कई बार आपके साथ प्रभु परमेश्वर ने बोला हुआ बात आप इनकार कर लेते होंगे। हाँ आपको लगता होगा ये चीज मैं परमेश्वर को दूंगा। मालूम है चोरी का दशांश प्रभु को पसंद नहीं है, इसका बात मालूम है। पैसा तो मंडली में देंगे ना, लाख रुपया मुझे मिला 10,000, लेकिन नहीं खराब नजर से खराब कार्यों से आए हुआ चीजों को प्रभु पसंद नहीं करता। प्रभु का इच्छा था कि प्रभु का आज्ञा था कि सारा अमालेकियों का लोगों को नष्ट करना, लेकिन साउल ने अच्छा अच्छा भेड़ बकरियों को ले आया ताकि बलि कर सके परमेश्वर के लिए। वो सोच रहा था अच्छा है, लेकिन सामुएल के द्वारा यहां बोलता वो सारा खराब है। तब साउल राजा ऐसा इसलिए कर रहा था कि परमेश्वर को बलिदान करें, उसका सोच गलत नहीं था मेरे प्रियो, लेकिन उसको तो यह करना था परमेश्वर के लिए मैं बलि चढ़ा रहा हूं, लेकिन उसने आज्ञा पालन को भूल गया था, उसको नाश करना था लेके आया। सोच गलत नहीं होने से भी कार्य को गलत कर लिया। आप भी ऐसा ही कर रहे होंगे, आपको लगता हुआ अच्छा आप कर रहे होंगे जो परमेश्वर पसंद नहीं करता होगा। एक हमारा यहाँ बहन है आप लोगों के बीच में, एक बहन का गवाही हम बोलने चाहता हूँ। वो बहन बोल रही थी पास्टर जी हमने तो दशमांश सभी गरीब और विधवा लोगों को दे दिया है, क्योंकि बाइबल यह कहती है ना। बहन का सोचना ठीक था, हम लोग के बीच का बहन का गवाही बता रहे हैं हम, जो दशमांश था प्रभु पास्टर जी वो हमने गरीब और विधवाओं को दे दिए, क्योंकि बाइबल बोलता गरीब और विधवाओं को देख रेख करो अनाथ टूराओं को। बहन का सोच ठीक था, लेकिन मैंने बहन को क्या बोला आपका सोच ठीक है बहन, लेकिन बाइबल यह भी कहती है प्रभु का दिया हुआ चीज प्रभु का है, संसार में जो है वो चीज संसार का है। जब तक आपने प्रभु के लिए अलग नहीं किए थे, प्रार्थना नहीं किए थे, वो आपका था आपका मर्जी, लेकिन जो चीज आपने प्रभु के लिए बोल के निर्णय कर लिए घोषणा कर लिए प्रभु के लिए बोल के अलग कर लिए वो चीज आप छू नहीं सकते, क्योंकि आशीष का बदले उसमें से श्राप आ जाएगा। तब लास्ट में बहन समझ पाई आपने मंडली के लिए दशमांश अलग किया था तो वह मंडली का ही है, उसमें आपका कोई अधिकार नहीं है, बहन बोल के हमने समझाए थे। मेरे प्रियो कई बार जो कार्य आप कर रहे हैं वो आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन परमेश्वर का नजर में वो खराब भी हो सकता। आज एक बात आपको हम दूसरा बोलने चाहते हैं, कई बार हम जो भी कर रहे हैं ना या आप जो भी कर रहे हैं वो सही लगता है, लेकिन उसमें परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही हो तो आपको याद करना होगा। इसलिए आज ही सोचें क्या आप परमेश्वर की महिमा आपके कार्य के द्वारा हो रहा है, क्या आप परमेश्वर को आज्ञा पालन कर रहे हैं, आप क्या करते हैं। साउल को जो भी ठीक लगता था वैसे उसने किया था, लेकिन सामुएल के कहने पर उसको मालूम चला पछतावा आया, लेकिन लेट हो चुका था, उसको राजा पद से हटना पड़ा था। आप याद करें
आपको जो भी कार्य प्रभु ने दिया है उसको जिम्मेवारी साथ बंद नहीं करने से आपको भी उस कार्य को छोड़ना पड़ता है। इसीलिए उसका रिएक्शन आने का आगे आपको याद करना होगा। इसलिए तो आज प्रभु ने आप और मुझे इस वचन को याद दिलाया। आप इस लेसन को पूरा पाठ पढ़ें, 15 अध्याय नहीं, पूरा सामुएल की पहला पुस्तक दूसरा पुस्तक को पढ़ें। आप क्या कर रहे हैं आपको मालूम चलता, आपका जीवन कैसा है, आप क्या करके जी रहे हैं, क्या आप जो भी कार्य कर रहे हैं उससे परमेश्वर की महिमा हो रहा है, क्या आप उस कार्य के द्वारा परमेश्वर का आज्ञा को पालन कर रहे हैं। आज सोचे मेरे प्रियो, हम यही बोलते हुए आपको उत्साहित करने चाहता हूं। साउल ने जो कुछ कर रहा था उसको लग रहा था अच्छा कर रहा है, लेकिन वो गलत था। आज आप जो भी कर रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है, परमेश्वर की महिमा हो रहा है तो प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा नहीं हो रहा है तो आज ही सोचें और प्रार्थना करें प्रभु आपका जीवन में आशीष उंडेले।